मेरे को याद है बवाना का जब चुनाव था, जिस चुनाव में भाई रामचंद्र जी जीत के आए थे, मैं बवाना की एक एक गली में घूमा था और इन कॉलोनियों में जब मैं आया था, मेरे से लोगों ने दो ही चीजें मांगी थी। बोले अरविंद जी आपको वोट दे देंगे, एक तो पानी दे देना, हमारी गलियां बनवा देना। दोस्तों आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि 7 कॉलोनियों में आज पानी दिया जा रहा है। एक्सटेंशन आबादी प्रहलादपुर, जैन कॉलोनी बरवाला, गुप्ता कॉलोनी, पप्पू कॉलोनी, प्रहलादपुर नियर सेक्टर 25 रोहिणी, कृष्ण कॉलोनी, शाहबाद एक्सटेंशन, शाहबाद दौलतपुर, इन 7 कॉलोनियों में आज से पानी आना चालू हो जाएगा। दोस्तों एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दो सारे जने। और मेरी भाजपा वालों से निवेदन है यार, पानी तो तुम भी पियोगे, एक बार ताली बजा दो दिल से, तुम भी सारे जने तुम भी ताली बजा दो, फिर नारे लगा लेना। दोस्तों मुझे बेहद खुशी है, आज इन 7 कॉलोनियों में पानी शुरू होने वाला है, शुरू होने जा रहा है। बवाना की एक एक कॉलोनी के अंदर जहां पानी नहीं है, हमारा वादा है हर कॉलोनी में पानी पहुंचाएंगे। और एक और खुशखबरी है, जितनी आपकी कच्ची कॉलोनियां हैं, जितनी गलियां टूटी पड़ी है, इस बार पैसे का इंतजाम कर दिया, बजट में आपका पैसा पास कर दिया। इस साल के अंत तक, अगली साल मार्च तक, या तो आपकी सारी सड़कें बन जाएंगी या बननी चालू हो जाएंगी आपकी सारी सड़कें। मेरे को याद है मैं बवाना की गलियों में घूमा करता था, एक गली में गया, बोले अरविंद जी देखो हमारी गली की हालत है, जब बारिश आती है तो सारा इतना कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। बोले जी हमारे रिश्ते आने भी बंद हो गए। मैं आपको आश्वासन दे के जा रहा हूं, एक साल रुक जाओ, अगले साल से बढ़िया रिश्ते आएंगे सारे घरों के अंदर। एक और खुशखबरी देनी है, जब से हमारी सरकार आई है, दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए, गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब, उल्टे बिजली के रेट आधे कर दिए थे और पिछले महीने बिजली के रेट और भी कम कर दिए, 1 रुपया यूनिट बिजली के रेट कम कर दिए हम लोगों ने। जिस जिस का बिजली का बिल कम हो गया हाथ खड़े कर दो जरा से, वो बीजेपी वाले भी कर दो, तुम्हारा बिजली का रेट कम हुआ नहीं हुआ? और बीजेपी वालों सबके बिजली के रेट कम हो गए। याद करो जब शीला दीक्षित की सरकार थी, मेरे को याद है 10 साल तक हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, बढ़ते थे नहीं बढ़ते थे शीला दीक्षित के टाइम पे, हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, 4 साल में दुगने हो गए थे बिजली के रेट उसके टाइम में, शीला के टाइम में। हमारी सरकार आने के बाद 3 साल के अंदर, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना 3 साल पहले, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली दिल्ली में थी। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है। दोस्तों पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के लोगों को मिल रही है। पूरी दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया, करा कि नहीं करा हाथ खड़े करके बता देना। अस्पताल मेरे को बड़ी खुशी है, पिछले साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे
प्राइवेट स्कूलों से 10% ज्यादा आए थे सरकारी स्कूलों के नतीजे। सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। पूरी दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। एक साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो जाएंगे। हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज मुफ्त होने वाला है। 150 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे को बड़ा दुख होता है कहते हुए, ये सारे मोहल्ला क्लिनिक पिछले साल ही बन जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के LG साहब हैं जो 1.5 साल तक ये BJP वाले फाइल लेके बैठे रहे। इनके LG साहब 1.5 साल तक इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं दिए। फिर हमारे सारे MLA ने जाके धरना करा LG साहब के घर पे, तब उन्होंने फाइल पे साइन करा। दोस्तों, जनता के विकास के खिलाफ राजनीति मत करो, जनता के पानी के खिलाफ राजनीति मत करो, नहीं तो ये जनता तुमको ऐसे जूते मारेगी, तुम्हारी शक्ल बर्बाद कर देगी। 1.5 साल तक मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठे रहे इनके LG साहब। शर्म आनी चाहिए BJP वालों को जिन्होंने दिल्ली के लोगों का मोहल्ला क्लिनिक रोका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में CCTV कैमरे लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दिल्ली में CCTV कैमरे लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? अब इनके BJP वालों के LG साहब वो CCTV की फाइल लेके बैठ गए, कह रहे हैं दिल्ली में CCTV नहीं लगने दूंगा। बताओ, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे LG साहब? बताओ, मैं लड़ू कि ना लड़ू LG से? कहते हैं केजरीवाल लड़ता बहुत है। अरे तुम CCTV कैमरे की फाइल पास कर दो, मैं क्यों लड़ूंगा? मेरे को कोई लड़ने में मजा आता है। और अगर तुमने फाइल पास नहीं करी CCTV की, परसों जा रहा हूं मैं LG साहब से मिलने के लिए, अपने सारे मंत्रियों को लेके जा रहा हूं, अपने सारे विधायकों को लेके जा रहा हूं। अभी तो केवल विधायक जा रहे हैं। मैं LG साहब को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर तुमने दिल्ली के लोगों की CCTV कैमरे रोके तो ये सारी दिल्ली तुम्हारे घर आ जाएगी, ये सारी दिल्ली चल के तुम्हारे घर आएगी। और ये BJP वालों को भी चेतावनी देता हूं, औकात में रहो, दिल्ली की जनता से पंगे मत लो। ऐसे जूते पड़ेंगे, ऐसे जूते पड़ेंगे, शक्ल नहीं दिख। दोस्तों, अभी आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए और भी कई अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आ रहे हैं हम लोग। अभी 2-3 महीने के बाद आप लोगों को एक फोन नंबर दे दिया जाएगा। जब आप किसी भी दफ्तर में काम कराने जाते हो, मान लो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, आपको पैसे देने पड़ते हैं नहीं देने पड़ते? दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं नहीं काटने पड़ते? अब नहीं काटने पड़ेंगे। आपको एक फोन नंबर दे देंगे, आप उस पर फोन करना, आप कहना जी मेरे को ये काम करवाना है सरकार से, मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मेरे को इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। आपसे सरकार पूछेगी कि हम आपके घर आएंगे, कितने बजे आए? आप कहना जी शाम को 8 बजे आ जाओ। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी आपके घर आएगा शाम को 8 बजे, आपसे टाइम लेके आएगा, आपके सारे कागज देखेगा, साथ में बायोमेट्रिक मशीन लेके आएगा, साथ में स्कैनिंग मशीन लेके आएगा, आपके सारे कागज अपलोड कर देगा, आपको रसीद देके जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके घर आ जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट से।
आपको किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सारी रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी दोस्तों, सरकार फोन के ऊपर आपके घर आके काम करेगी, आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। उसी तरह से जितने गरीब लोग राशन लेते हैं, यहां पे कितने लोग राशन लेते हैं जरा हाथ खड़े करके बताओ। आपसे पूछना चाहता हूं, राशन वाला चोरी करता है नहीं करता? दुकान खोलता है, महंगा राशन देता है, गंदा राशन देता है? अब ये भी बंद करने वाले हैं हम लोग, दिल्ली में सारी राशन की दुकानें बंद कर देंगे। अब राशन आपका जितना राशन बनता है बोरी में पैक करके आपके घर हर महीने राशन पहुंच जाना पड़ेगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दोस्तों, इस फाइल के ऊपर भी एलजी साहब लेके बैठे हैं, लेकिन मेरे को पता है एलजी साहब से फाइल कैसे निकलवानी है, चिंता मत करना। इसी तरह की बहुत सारी स्कीमें हैं। रात दिन 24 घंटे आप लोगों के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। आप लोग बस इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें, इसी तरह से अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ पे आए, आप सब लोगों के घर में पानी आ गया, टूटी से पानी आ गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री एस एल मीणा, चीफ नोडल ऑफिसर दिल्ली जलबोर्ड।